एविडेंस लॉ के इस लेक्चर सीरीज में आज हम सेक्शन 29 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। अपने अब तक के वीडियोस में हमने कन्फेशन के सेक्शन 24 से लेकर के सेक्शन 28 तक के जो भी प्रोविजंस थे उन्हें एकदम सिंपल वे में प्रॉपर नोट्स, इलस्ट्रेशंस एंड विथ केस लॉज समझा है। आज हम सेक्शन 29 ऑफ लॉ ऑफ एविडेंस से डील करेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो बिना स्किप किए तो सेक्शन 29 एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। राइट, चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन 29 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि डील करता है कन्फेशन से। देखो सेक्शन 29 क्या कहता है, कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट, तो ऐसा कन्फेशन जो अदरवाइज रेलेवेंट है, जो अन्यथा रेलेवेंट है, नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, नॉट टू बिकम, नॉट टू बिकम इररेलेवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। सेक्शन 29 क्लियरली ये कहता है कि एक ऐसा कन्फेशन जो अदरवाइज रेलेवेंट है वो केवल इस बात पर इररेलेवेंट नहीं हो सकता है कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत किया गया था। राइट, जैसे एक्यूज्ड पर्सन, राइट, हू इज चार्ज्ड विथ ऑफेंसेस, ये एक्यूज्ड पर्सन अपने ऑफेंसेस के रेफरेंस में कुछ कन्फेस करता है किसी सेकेंड पर्सन के सामने। राइट, इस बात के ऊपर कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने ये कहा था कि तुम मेरे पे विश्वास कर सकते हो, तुम जो कुछ भी बताओगे मैं उसे किसी थर्ड पर्सन के सामने डिस्क्लोज नहीं करूंगा, तो देयर इज प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। आई विल कीप योर कन्फेशन सीक्रेट, ठीक है। तो ऐसे कन्फेशन जो अदरवाइज रिलेवेंट हैं वो इस बात पर इररेलेवेंट नहीं माने जाएंगे कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत किए गए हैं। राइट, तो सेक्शन 29 क्या कहता है, कन्फेशन जो अदरवाइज रेलेवेंट था वो केवल इस बात पर इररेलेवेंट नहीं होगा कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत किया गया था। Now, otherwise relevant means what? देखो यहां पर otherwise relevant का मतलब है एक ऐसा confession जो section 24, 26 और 28 of Indian Evidence Act के तहत किया गया हो। सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 क्लियरली ये कहता है कि अगर एक्यूज्ड पर्सन अपने ऊपर लगे एलिगेशंस के रेफरेंस में कोई कन्फेशन करता है पर्सन इन अथॉरिटी के इंड्यूसमेंट
थ्रेट या प्रॉमिस में आके तो वो इररिलेवेंट होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, राइट लेकिन अगर सेक्शन 24 में किया गया कन्फेशन रेलेवेंट होता है, इट मींस कि पर्सन इन अथॉरिटी के इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रॉमिस में आकर के एक्यूज्ड पर्सन ने अपने ऊपर लगे एलिगेशंस के रेफरेंस में कन्फेशन नहीं दिया है, वॉलंटरीली दिया है, तो एक ऐसा कन्फेशन जो सेक्शन 24 में वैलिड है, एक ऐसा कन्फेशन जो सेक्शन 26 में वैलिड है। सेक्शन 26 क्या कहता है? कन्फेशन कॉज्ड बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। लेकिन इसमें हमने ये जाना कि इफ देयर इज इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कस्टडी और तब उस पर्टिकुलर समय में अक्यूज्ड पर्सन कन्फेशन करता है तो वो रेलेवेंट होगा, उसके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे काम आएगा। तो एक ऐसा कन्फेशन जो सेक्शन 26 के तहत किया गया है और वो बिल्कुल वैलिड है, यानी कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट, तो वो रेलेवेंट है। एक ऐसा कन्फेशन जो अदरवाइज रेलेवेंट है अंडर सेक्शन 28 क्या कहता है? कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस इज रेलेवेंट। तो ऐसा कन्फेशन जो इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस से फ्री है वो रेलेवेंट है। तो यहाँ पे कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट का मतलब ये है कि एक ऐसा कन्फेशन जो सेक्शन 24, 26 एंड 28 में वैलिड कन्फेशन माना गया है वो केवल इस फैक्ट पर इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत किया गया है, राइट तो यदि वो पर्टिकुलर कन्फेशन अदरवाइज रेलेवेंट है, यानी अंडर सेक्शन 24, 26, 28, इट डज नॉट बिकम इररिलेवेंट मेयरली बिकॉज इट वॉज मेड अंडर, तो वो केवल इस बात पर इररिलेवेंट नहीं होगा कि वो किया गया था प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड पर्सन से चीट या फ्रॉड किया गया था उस कन्फेशन को निकालने के लिए, ठीक है, या व्हेन ही वाज ड्रंक, जब वो ड्रंकेन स्टेट में था तब उसने कन्फेशन दिया था। अब यहाँ पे ये देखना होता है कि क्या उसके सामने जो भी क्वेश्चंस रखे जा रहे हैं क्या उन क्वेश्चंस का वो सही सही जवाब दे रहा है, क्या जिस समय इंसिडेंट हुआ जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ वो सभी फैक्ट्स एकदम एक्यूरेट एक्यूज्ड पर्सन ड्रंकेन स्टेट में भी बता रहा है, यानी इन द ड्रंकेन स्टेट उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, क्या वो एबल है फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस को क्लारीफाई करने में, डिफ्रेंशिएट करने में, ये देखा जाता है। फिर कह रहे हैं इन ऑर्डर टू आंसर क्वेश्चंस विच ही नीड नॉट टू आंसर, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर वो खुद से दे रहा है जिसे उसके सामने रखा ही नहीं गया था, वो खुद से कह रहा है। लैक ऑफ वार्निंग अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी, जो बेसिकली रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशन के बारे में बात करता है, हमने देखा था सेक्शन 28 ऑफ एविडेंस एक्ट में कि मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय
सीआरपीसी के सेक्शन 164 के जो भी प्रोविजंस हैं उन्हें फॉलो करेगा। जैसे एक्यूज्ड पर्सन को वार्निंग देगा कि आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, और यदि आप कन्फेशन करते हो तो इसे आपके अगेंस्ट में एविडेंस के तौर पे माना जाएगा। तो लैक ऑफ वार्निंग है, फिर भी वो कन्फेशन रेलेवेंट होगा। कब रेलेवेंट होगा? सेक्शन 29 इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कन्फेशन इज वैलिड अंडर सेक्शन 24, 26, 28 एंड सेटिस्फाइज ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ सेक्शन 164(3) ऑफ सीआरपीसी, राइट? तो सिंपल, सेक्शन 29 को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो हम ये कह सकते हैं एक ऐसा कन्फेशन जो सेक्शन 24, 26, 28 में वैलिड कन्फेशन है, तो वो कन्फेशन केवल इसलिए इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा कि उसे प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी के तहत किया गया है। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 29? तो पहला, प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। दूसरा, डिसेप्शन प्रैक्टिस्ड ऑन हिम, उस कन्फेशन को उगलवाने के लिए उसके साथ चीट किया गया, फ्रॉड किया गया। व्हेन ही वाज ड्रंक इन आंसर टू क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर वो खुद कर रहा है जिन क्वेश्चंस को उसके सामने रखा ही नहीं गया है, वो खुद से कन्फेशन कर रहा है। लैक ऑफ वार्निंग, ठीक है। और ये एप्लीकेबल कब होगा? जब कन्फेशन वैलिड होगा अंडर सेक्शन 24, 26, 28, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 29, एक छोटा सा सेक्शन जिसे हमने कवर किया। आई होप कि सेक्शन 29 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिकॉज आई बिलीव टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।